यहाँ पे देखिए वेव्स भी दिख रहे हैं, कितने प्यारे वेव्स हैं। इसकी वजह से मेरा लोवर फट गया, ये देखिए और एक ये देखिए। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी आप लोग पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग अपने घर से आए थे मरीन ड्राइव, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर, वो ये है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए वेव्स भी दिख रहे हैं, कितने प्यारे वेव्स हैं। फाइनली ये पता चल गया है, ये झाग है जो साबुन का झाग जैसे बनता है वैसे वहाँ पे झाग बन रहा है वहाँ पे, और वहाँ से होके फिर ऐसे ऐसे बड़े बड़े ढुक के ऐसे ऐसे जा रहे हैं। देखिए गाइज व्यू देख लीजिए, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, इसको देख के आप लोग एक बार लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा और आगे, हम लोग साइकिल के पास आ गए, अब यहाँ से चलते हैं और आगे। बाकी पावर बैंक लगा लिया, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। साइकिल लेके यहाँ एक स्लेश पे आए, जरा देखते नीचे जा पाता हूँ कि नहीं मैं आराम से। बाकी वो लोग अभी वहाँ से निकल रहे हैं, तो चलिए इसी के साथ देखते हो पाता है कि नहीं। मेरे पास कैमरा भी मुझे ही पकड़ना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। एक यहाँ पे जो स्लेव था, देखते हैं कि अंशु भाई इस पे चढ़ा पाते हैं कि नहीं। तो अंशु भाई क्या लगता है, तुम चढ़ा लोगे भाई? 90% लग रहा है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं चढ़ा पाते हैं कि नहीं। चलिए बाकी क्रॉस में करके चढ़ाना ज्यादा सही रहेगी। ओ सेट फेल, और ये सेकंड ट्राई, ऑलमोस्ट 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 पेड़ की जड़ों पे, वाओ। और फिर अब वहां से नीचे आ रहे हैं दो लोग, सबकी साइकिल में देखिए क्या हो रखा है, सबकी साइकिल गीली हो रखी है, इनकी तो इनमें तो हरी भरी साइकिल हो गई है इसकी तो। क्यों से भाई अपने साइकिल को हरी भरी कर दी है आजकल भाई, पॉल्यूशन से बच रहे हैं, साइकिल पॉल्यूशन बचा के मेरी साइकिल में आगे मेडगार्ड नहीं था तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, मेरा कपड़ा दिख रहे पूरा खराब हो गया है। अंशु भाई के पीछे मेडगार्ड नहीं है, इसलिए अंशु भाई के पीछे देखे लगी थी पर इन्होंने साफ कर ली है, लगी नहीं। सो फाइनली अब इससे और आगे चलते हैं और इससे एक्सट्रीम लेवल पर मस्ती करेंगे। फाइनली वहां है डैम, जो कि आप लोग देख लीजिए वहां पे, और एक ये पुल है। बाकी हम तीनों लोगों ने साइकिल यहाँ चढ़ा दी, अंशु भाई की बारी, देखते हैं अंशु भाई क्या करते हैं आज। अंशु भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अंशु भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, पूछते हैं अंशु भाई से कि यहाँ पे इनको क्या अच्छा लगा, रिव्यू देते हैं कुछ थोड़ा। ये भाई इस पार्क का नेचर बहुत अच्छा है, अच्छा एकदम ट्रीज एकदम यहाँ हरे भरे हैं, जैसा आप दिखा दिए पूरा यहाँ का। और उसके बाद यहाँ का एक चीज बहुत खराब लगा मेरे को, जैसा कि आप यहाँ का थोड़ा वाटर देखिए एकदम ब्लैक है पूरा, और पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रखा है, देख सकते हैं। बल्कि आप आगे बोर्ड लगा हुआ है कि पॉल्यूशन नहीं करना है यहाँ पे, और आगे साफ था, यहाँ पे इसलिए गंदा है, और आगे पानी भी थोड़ा सा ब्लू में हो रखा है, यहाँ पे तो पूरा ब्लैक हो रखा है, जैसे नाले का पानी जो आता है सेम वही। और पता नहीं इसको हम लोग गोमती नदी क्यों कहते हैं, समझ में नहीं आता है कुछ। सब लोग अपने फिर से साइकिल पीछे कर लेते हैं चलने के लिए। आप एक बार ये देख लीजिए, इतने हरे भरे फूल लगे हैं यहाँ पे, और वहां पे काला पानी, यहाँ प्रदूषण हो रखा है, पन्नी फेंक रखी है। अभी वो अंकल आए थे, वो कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 8 बजे तक का ही साइकिल का परमिशन अलाउ रहता है, उसके बाद यहाँ पे पार्क हो जाता चालू, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लोग घूमने आ सकते हैं। फाइनली अंकल ने जैसा कहा था, आप साइकिल लेके बाहर निकलते हैं। तो फाइनली साइकिल ले आई है गेट पे, अब यहाँ से चलते हैं। जैसे हम लोग वहाँ मस्ती कर रहे थे, अब यहाँ पे बहुत ही कठिनाई हो रही है ऊपर चढ़ने में, सब लोगों की हालत पंचर हो चुकी है अब, पर इनकी नहीं हुई है क्योंकि इनकी तो गियर वाली साइकिल है। जोश आ गया है, हम दोनों बेचारे नीचे का लेना सर पड़ता। तो फाइनली वहाँ से साइकिल निकाल ली है, अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। सो फाइनली चाय तो आ गई अपनी, अब पीते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे घर। गौरी क्या क्या बोल रहे हो? हैव अ स्वीट डे। थैंक यू। चाय बड़ी अच्छी बनी है। सो फाइनली चाय पी चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं सीधे अपने घर की तरफ। गाइस अब चाय वाय पी चुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे सीधे घर। फोन भी डिस्चार्ज हो गया है तो थोड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे। बाकी इन लोगों के देख लीजिए मुँह उतरे हुए हैं, तो
इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी ही जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। जगवाल की बोले हो अभी इनके साथ बहुत ही गंदा सीन हो गया था। अंशु भाई बताओ कि क्या हुआ था भाई, जैकेट छोड़ के यहाँ पे चाय पी थी, जहाँ पे इसने चाय पी थी वहाँ जैकेट ही छोड़ दी इसने। अच्छी बात है कि अंकल अच्छे थे।